मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार फाइनली काफी ज्यादा दिनों बाद एक बार फिर से वापस आ चुके हैं हम लोग एक और नई वीडियो के साथ। वैसे यार ये फेस कैम वीडियो भी नहीं है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सबसे पहले तो इतने दिन से कहाँ थे और फेस कैम वीडियो आखिर क्यों नहीं है। ये सही बात है। ये तो यार देखो, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करा था, शायद से आप लोगों ने अगर देखा हो तो आप लोग पता चल गया होगा कि मेरा जो लैपटॉप है जिससे कि मैं वीडियो एडिट करता था यार, वो खराब हो चुका है। ठीक है, और भाई पता है मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद एडिट के लिए बस एडिट करना था नेक्स्ट डे मुझे, और जैसे मैंने लैपटॉप को चालू करने की कोशिश की भाई वो चालू नहीं हो रहा। और फिर मैं दिखाने ले गया तो फिर पता चला कि भाई उसका मदरबोर्ड खराब हो गया और उसमें लगने 7,500 रुपये। मैं सोच रहा था कि रुपए जोड़ जोड़ के भाई पीसी बनवा लेंगे तगड़ा सा और उसके बाद पीसी वाले गेम्स की भी वीडियोस लाएंगे, लेकिन यार अब मदरबोर्ड में 7,500 खर्चा आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि मदरबोर्ड ना ही बनवाऊँ, अभी 4-5 महीने रहने देते हैं, एक बार घर बनवा लूँ उसके बाद से डायरेक्ट पीसी ही बनवाएंगे। तब तक यार मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल से एडिट करेगी। वैसे मैं सही बताऊँ ना, जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है ना भाई, कभी मोबाइल से एडिटिंग करी ही नहीं है मैंने। शिट। तो हाँ देखो, चैलेंजिंग हो गई ये चीज़, और जुगाड़ उगाड़ करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा तगड़े से, और उस लेवल की एडिट तो नहीं हो पाएगी जैसे लैपटॉप में होती है, लेकिन ट्राई करेंगे कि सेम क्वालिटी आप लोगों के लाए। और फेस कैम वीडियोस तो आप लोग समझ गए, फिर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यार जब लैपटॉप खराब हो गया तो फेस कैम वीडियोस कैसे आएंगे, क्योंकि यार जो उसका फेस रिकॉर्डर था उसको क्या बोलते हैं वेब कैम, तो वो यार उसी में लगता था लैपटॉप में, तो अब कैसे लगेगा, तो फिर समझ रहे हो आप लोग, तो इसलिए तो फेस कैम वीडियोस आ नहीं पाएगी। खैर आज किस वीडियो के अंदर यार बात कर लेते हैं, तो हाँ आप लोग पता ही है कि कार सेल्स सिमुलेटर खेल रहे हैं, देखकर तो जान ही गए। और कहानी अभी तक की ये थी कि हम लोगों ने यार कराना था आज की इस वीडियो के अंदर चैलेंज, हमारी जितनी भी यहाँ पे कार्स खड़ी हुई है डीलरशिप के अंदर, तो आज बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मजा आने वाली है, क्योंकि आज है भाई फाइनली वो चैलेंज जिसका हम लोगों को बहुत समय से इंतजार था, यानी ड्रैग रेस का। और आज हम लोग जो हमारा विनर है वो मिल जाएगा कि आखिर इन सभी कारों में सबसे बेस्ट कार कौन सी है ड्रैग रेसिंग के लिए। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप लोग वीडियो जरूर से लास्ट तक देखना, और लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर जितने लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो तो। खैर चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके तो यार चलो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे कार फॉर सेल सिमुलेटर गेम के अंदर। वैसे यार मैं जस्ट सो करके उठा हूँ और आज है फ्राइडे और अब आज भाई कार मार्केट भी ओपन है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं यार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी प्यारी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, भाई साहब ये है नेक्स्ट लेवल कार भाई, इससे फास्ट कार कोई नहीं होगी। मुझे पता है ड्रैग रेसिंग में अपनी जितनी भी डीलरशिप के अंदर कार है ना भाई, उनमें सबसे बेस्ट कार है, और ये हमारी पर्सनल कार है। मतलब यार इसको तो देख कर के इतनी ज्यादा हैप्पीनेस आ जाती है ना, मतलब दिमाग खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। खैर यहाँ पे यार हम लोगों को पता है एक जुगाड़ करना है, मतलब कि एक ऑडी RS7 अपने को चाहिए, वो भी रेड कलर की। और आप लोग सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों भाई, रेड कलर की ऑडी RS7 क्या करेंगे, तो आप लोगों ने अगर पिछला वाला वीडियो देखा है ना तो फिर आप लोग याद होगा कि हम लोगों ने जो हमारे रुपए खत्म हो गए थे सारे के सारे, तो हम लोगों ने अपनी जो ऑडी RS7 है उसको सेल आउट कर दिया था, वो भी रेड कलर की, तो उसकी जगह पे हम लोगों को नई परचेस करनी थी और वो यार अपने पास अभी है नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे विलेज के अंदर मिल जाए ऑडी RS7 रेड कलर की तो यहीं से लेकर के चलें, या फिर यहाँ पर नहीं मिलेगी तो फिर कार मार्केट में चलेंगे, वहाँ पर पता करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो जब तक हमारे पास सारी की सारी डीलरशिप के अंदर कारें नहीं हो जाएंगी ना, तो चैलेंज है वो फिर कैसे ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो यार वो चैलेंज स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को ऑडी RS7 वो भी रेड कलर की वो तो चाहिए ही चाहिए रहेगी। खैर यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है, वैसे ये ऑडी RS7 नहीं है यार, ये दूसरी कार है, इसका नाम क्या था यार, इसका एक तो मैं नाम ही बार बार भूल जाता हूँ, रुक जाओ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसका नाम मुझे पता है यार, TM4 है क्या, रुक जाओ चेकआउट करते हैं, डेड चिलिंगर इसका नाम है यार, TM4 नहीं है, और मैं भूल कैसे जाता हूँ यार, बार बार मुझे समझ भी नहीं आ रहा। खैर चलो एक काम करते हैं, यहाँ से अभी हम लोग जल्दी से निकलते हैं, और यार अभी हम लोग कुछ भी करके ऑडी RS7 को तो ढूंढना ही ढूंढना है, तो कार मार्केट आज ओपन है, मैं सोच रहा हूँ कार मार्केट के अंदर चेकआउट कर लेगा, अगर कार मार्केट के अंदर रेड कलर की ऑडी RS7 मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी, उससे बढ़िया कुछ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। ओके तो यार एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भाई हो चुका है गेम के अंदर, भाई अंदर ट्रैफिक है, खैर यहाँ पे कार तो काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई हैं, अब बस यार रेड कलर की ऑडी RS7 मिल जाए तो अपना तुरंत ही काम बन जाए। ओके तो यहाँ पर रेड कलर की 3-4 कार हैं, जरा सुन मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्या कोई ऑडी RS7 है, ये तो नहीं है,
ये तो BUCC नेशनल BVM E36 है। हाँ ठीक है। ये कौन सी कार है फिर? तो मर्सिडीज C63। नहीं ये भी नहीं चाहिए। रेड कलर की ऑडी RS7 चाहिए थी वैसे यहाँ पे। ये खड़ी तो नहीं, ये है कि नहीं है? ये ऑडी RS5। वही मैं सोचूं, क्योंकि यार देखो ऑडी RS7 का जो लुक है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, और ये लग रही थी उसी मॉडल की, बस थोड़ा सा अलग था, तो हाँ मैं समझ गया था कि ये तो नहीं है। ऑडी RS5 है यार ये, ऑडी RS5 है यार। अब क्या ही करें, मतलब चारों चारों हम लोग ने चेकआउट कर लिया, रेड कलर की कार जितनी भी थी कोई भी ऑडी RS7 तो नहीं है, और हम लोग को रेड कलर की ऑडी RS7 ही चाहिए, तभी भाई काम बनेगा, वरना यार हम लोग जो अपना चैलेंज है ना वो नहीं कर पाएंगे। तो यार ये तो प्रॉब्लम की चीज़ हो गई है, और कहीं पर तो यार कार मिलती नहीं, या फिर हम लोग कोई ऐसा शॉप वॉप भी नहीं है जहाँ से मंगा लें, मतलब कि कार है तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है यार। तो ये तो यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ सिस्टम हो गया है। खैर ये हमारी डीलरशिप है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कितनी सारी डीलरशिप के अंदर कार यहाँ पे खड़ी हुई हैं भाई साहब, बिल्कुल मजेदार कारें खड़ी हुई हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी। और वैसे यार हम आप लोग याद होगा कि 3 कारों का जो चैलेंज था वो कंप्लीट हो चुका था। पहली हमारी ये है फ्रॉड फ्रॉड बॉन्क्रो है ना ये, हाँ फ्रॉड बॉन्क्रो। दूसरी यहाँ पे ये है एकोलेड, इसका नाम क्या है पूरा पूरा कोल्डिया एकोलेड। और ये तीसरी, इसका भी हो गया था चैलेंज, और ये है टायोटा MK4। तो हाँ इन 3 कारों से हम लोगों ने ड्रैग रेसिंग कर ली थी, और बाकी बची कारों से अभी हम लोग करना था। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग जो बाकी बचे कारें हैं ना इनको ले चलते हैं, और ड्रैग रेसिंग का जो चैलेंज है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और जैसे थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ेगा, 1-2 दिन और बीतेंगे, तो मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग ऑडी RS7 मिल जाएगी। तब तक हमारा जो ड्रैग रेसिंग चैलेंज है ना उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट कार लेकर के चलने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से जो इसका चैलेंज कराना है ना तो यहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी, और इसका मैं नाम देख लेता हूँ BVM F30। हाँ BVM F30 है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे बेट लगाते हैं। वैसे बेट हम लोग कितने का लगा दें भाई, कितने की बेट लगा दें? मैं सोच रहा हूँ कि $20,000 की बेट लगाते हैं। ओके $20,000, और स्टार्ट करते हैं। 2 चांस है हमारे पास BVM E30, BVM F30। हाँ इसकी हम लोग को रेस करानी है। ओके और भाई साहब यहाँ पे अपोनेंट देख रहे हो भाई, इतना ज़्यादा खतरा है ना कि इससे जीत ही नहीं पाएंगे हम लोग चाहे जो कर लें। भाई बहुत ज़्यादा कर रहा अपोनेंट है यार। एक तो यार मैं थोड़े दिन भाई ये गेम नहीं खेलता, मैं सारी सारी कारों के नाम ही भूल जाता हूँ, मतलब कि पिछली वीडियो इसकी 6-7 दिन पहले आई थी, और भाई 6-7 दिन से ये गेम नहीं खेला, तो मैं सारी सारी कारों के नाम ही भूल चुका हूँ यार। कह रहा अभी अब आ जाएगी वीडियो जल्दी जल्दी थोड़ी सी, तो फिर समझ में आ जाएगा सब कुछ। कह रहा अभी एक काम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं भाई। पहली रेस तो मुझे पता ही था कि यहाँ पे हारने वाले, अपोनेंट बहुत ज़्यादा कर रहा था। कह रहा इस बार ट्राई करेंगे कि यार जीत ले, वरना तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके तो इस बार अपोनेंट थोड़ा सा है, लेकिन उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन है खतरनाक भाई ये भी। ओके तो यहाँ पर इस बार तो ड्रैग रेस जीतनी है। वैसे यार अपोनेंट यार कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया, मुझे लग रहा था कि खतरनाक अपोनेंट होगा, लेकिन अभी BVM F30 भाई ऐसे कोई बेकार सी गाड़ी नहीं। स्पीड देखना है इसकी कहीं से टच हो जाएगी, अभी 150 टच हो जाएगी मुझे लग रहा है। हाँ फोन बॉडी 7 तक पहुंच गई थी। खैर चलो ये रेस हम लोग जीत चुके हैं, एग्जिट मारते हैं। 2 रेस हम लोगों ने करी बैक टू बैक, 1 रेस हम लोग जीते हैं BVM F30 से, 1 रेस हार गए, ठीक है? ओके तो यार हमारी जो नेक्स्ट कार है ना वो है लैम्बोर्गिनी भाई साहब, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो। चलो अभी यार इससे हम लोग रेस करने वाले हैं, देखते हैं इसका क्या रहता है। वैसे यार रोड पे तो नहीं खड़ी हुई है अपनी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर भाई साहब, ये बहुत खतरनाक लोग हैं भाई साहब। ये लोग ऐसा रोड से जाते हैं ना तो भाई ठोंक के चले जाते हैं, खैर इन लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है गाड़ी ले जाने की। और भाई थोड़ी रोड पे मैं काम कर देता हूँ, थोड़ा सा इस पर यार दूर खड़े करते हैं, इसमें यार डैमेज वैमेज नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। कुछ बहुत ज़्यादा कलाकार लोग होते हैं भाई, मान लो ठोक ठाक के चले गए तो अपना तो बहुत ज़्यादा गंदा नुकसान हो जाएगा है, इतनी ज़्यादा महंगी कार उसमें भी ठोक ठाक के चले गए फिर तो नुकसान ही हो जाएगा। खैर अभी ड्रैग रेसिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे लैम्बोर्गिनी है तो इसमें मैं बेट लगा सकता हूँ थोड़ा सा बढ़ा करके, $40,000 की बेट लगाते हैं लैम्बोर्गिनी से। 2 चांस हमारी लैम्बोर्गिनी को भी मिलने वाले हैं। अब देखते हैं कि हमारी लैम्बोर्गिनी दोनों को दोनों रेस क्या जीत पाएगी नहीं या फिर ये भी एक रेस में फेल हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे ये जो अपोनेंट है ये काफ़ी ज़्यादा अलग सा है, पता नहीं कौन सा अपोनेंट है, देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है। ओके तो यार अभी तो लैम्बोर्गिनी हमारी बहुत तेज निकली है, स्टार्टिंग में लैम्बोर्गिनी ने बिल्कुल कैर काट दिया भाई, 150 तो यहीं टच हो चुके हैं, 175 तक टच हो गए भाई साहब। चलो तो यहाँ पे यार पहली रेस हम लोग जीत चुके हैं, नेक्स्ट रेस पे चलते हैं और देखते हैं क्या हम लोग बैक टू बैक 2 रेसेस जीत सकते हैं हमारी लैम्बोर्गिनी से। ओके तो यहाँ पे अपोनेंट यहाँ पे आ चुका है, और वैसे अपोनेंट तो फिर से सेम ही लग रहा है यार, जो पिछली बार अपोनेंट है तो वही अपोनेंट आ गया। खैर चलो
यहाँ पे अभी लैम्बोर्गिनी अपनी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कर रही है, बिल्कुल आगे हम लोग निकल चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। ओके, और तो हमारी जो नेक्स्ट कार है वो है ब्लैक कलर की ऑडी RS7। वैसे ऑडी RS7 ना भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया मॉडल है ड्रैग रेसिंग के लिए। मैंने पहले भी इन कारों से ड्रैग रेसिंग करी हुई है और भाई उसमें जीत भी हासिल हुई है। वैसे अभी ये चीज़ देखने लायक होगी कि क्या हम लोग बैक टू बैक दोनों रेसेस जीत पाएंगे ऑडी RS7 की मदद से या फिर नहीं। तो चलो यहाँ पे हम लोग ड्रैग रेसिंग पे इस पे भी लगा देंगे $40,000 का बेट। और वैसे मुझे उम्मीद है कि ऑडी RS7 हम लोग को निराश नहीं करेगी ड्रैग रेसिंग के अंदर। देखते हैं क्या होता है। तो यार पहली रेस तो हम लोग पक्का आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि मैं उम्मीद यहाँ पे पहले ही कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई वो जो कार है ना वो बहुत ज़्यादा तेज है भाई साहब, देख सकते हो। मैं चाहे जितना ट्राई कर लूँ ये लैम्बोर्गिनी अवन टैडोर भाई साहब हद से ज़्यादा स्पीड है, मुझे लग रहा है ये लैम्बोर्गिनी, और अगर लैम्बोर्गिनी अवन टैडोर की भी भाई टक्करी हो जाए ना तो भाई लैम्बोर्गिनी हार जाएगी, लैम्बोर्गिनी अवन टैडोर जीत जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर चलो पहली रेस हम लोग हार चुके हैं, नेक्स्ट रेस एक और रेस करने वाले हैं इसी कार से, उम्मीद है कि ये रेस जीत लेंगे एटलीस्ट। ओके, तो यहाँ पे अपोनेंट तो वैसे यार ठीक ठाक सा ही है, मुझे लग नहीं रहा कि जीत पाएगा हम लोगों से ये। खैर चलो यहाँ पे रेस को स्टार्ट करते हैं। ओके, और हम लोग आगे निकल चुके हैं, वाह भाई वाह, चलो सही है। ये सेकेंड रेस तो कम से कम जीती, अपना नुकसान तो नहीं हुआ, फालतू को रुपये तो यहाँ पर नहीं करवा देंगे। ओके, और यहाँ पे 150 ईजिली टच हो गई है ऑडी RS7 अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे बैक टू बैक दो रेसेस हुई हैं, एक रेस जीते हम लोग, एक रेस हारे हैं ऑडी RS7 से। के तो हमारी जो नेक्स्ट कार है वो है यहाँ पे हमारी रेड कलर की कोल्डियक एकोलेड। वैसे यार एक बार पहले भी इससे रेस कर चुके हैं हम लोग ड्रैग रेसिंग, और इससे हम लोग हार भी चुके हैं, मतलब कि इससे तो दोनों रेसेस हार गए थे हम लोग। तो यहाँ पे एक बार वापस ट्राई करने वाले, इसमें मैं $20,000 की बेट लगाने वाला हूँ, इससे अगर मैं ऊपर गया तो मैं गंदा वाला अपना नुकसान करा लूँगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्लो कार है, और भाई साहब अपोनेंट देख रहे हो इसका, अपोनेंट देख रहे हो इसका, ये लैम्बोर्गिनी है भाई, ये लैम्बोर्गिनी का कौन सा मॉडल है मुझे याद नहीं है, लेकिन है मॉडल लैम्बोर्गिनी का ही। और देख लो ये स्पीड देख लो भाई साहब, कितनी तेज जा रही है यहाँ पे, ये भाई पारिवारिक गाड़ी है, मतलब अगर परिवार के साथ इसमें जाना है ना तो ठीक है ये गाड़ी, और वैसे स्पीड के मामले में नहीं सही है। देख रहे हो 120 टच हुई है, बड़ा मुश्किल से जब पूरा जान लगा दी इससे। खैर चलो एक और रेस इससे करते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कार भाई आ रहेगी, ये सेकेंड रेस भी हारने वाली मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्राई करेंगे फुल्ली यहाँ पर जीतने का। और वैसे अपोनेंट है कर रहा, लेकिन देखते हैं क्या हम लोग जीत पाएंगे पूरी ताकत लगा करके। ओके, तो गियर अप करते हैं। वैसे यार चाहे मैं जितनी ताकत लगा दो भाई, ये कार नहीं जीतने वाली, ये हारी ही कार है भाई। ओके, तो मैंने फुल्ली ट्राई कर दिया है, वैसे वो कार दिखने लगी है दूर दूर से, लेकिन भाई सब नहीं, फिर भी हम लोग हार ही गए। ओके, तो यार देखो अभी एक रो की जो सारी कार है ना वो यहाँ पे हो चुकी है फिनिश, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो रूल है ना वो रिवाइज एक बार करा देता हूँ, ताकि आप लोग समझ पाओ कि हम लोग जो विनर है वो कैसे चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे यार देखो ये जो रो है ना ये कम्प्लीट हो चुकी है, फ्रॉड बोंकरो कोल्ड एकोलेड, उसके बाद यहाँ पे टायोटा MK4, उसके बाद यहाँ पे हमारी BMW F30, उसके बाद लैम्बोर्गिनी, उसके बाद यहाँ पे ऑडी RS7, और उसके बाद कोल्ड एकोलेट, ठीक है। तो इनमें से सारी की सारी जो कारें थी उनमें से भाई ये तीनों कारें तो भाई दोनों रेस से आ रही हैं, उसके बाद यहां पे ये वाली जो कार है रेड कलर की कोल्ड एकोलेट ये भी दोनों रेस हार चुकी है। ऑडी RS7 एक ऐसी कार थी जो कि एक रेस हारी है और एक रेस जीती है, और सेम BMW F30 भी, लेकिन लैम्बोर्गिनी अभी तक इन कारों में सबसे आगे क्योंकि ये दोनों रेसें जीत चुकी है, ठीक है। तो यहां पे इस रो का विनर जो है ना वो है लैम्बोर्गिनी। अब बारी है इस रो की, और इस रो में मतलब कि जिसके भी पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे, मतलब जो दोनों रेस जीत जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पास जो हमारी पर्सनल कार है हमारी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, ठीक है, इसकी भी हम लोग रेस कराने वाले हैं। अब जैसे ये सारी रेसें कंप्लीट होंगी उनमें से जो कारें दोनों रेसें जीती होंगी उनमें फिर से आपस में चैलेंज होगा, और फिर ऐसे करके लास्ट में जो दो कारें बचेंगी उनमें आपस में चैलेंज होगा दो रेसों का, और वो दोनों जो रेसें जीत गई वो होगी विनर यहाँ पर, ठीक है। और विनर यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई किस्मत से चूज हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी कार किस्मत बहुत ज़्यादा तगड़ी है तो उसमें शायद से हल्की कारें आ जाए अपोनेंट में, तो भाई वो विनर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि अपोनेंट हल्का है या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो किस्मत पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो थोड़ा किस्मत का भी खेला है यहाँ पे। कह रहा अभी यहाँ पे जो सेकंड रो है ना इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो पहली कार है वो BMW F30 लग रही है मुझे, कौन सी है, BMW 5M F90 है। ओके, BMW 5M F90 ले चलते हैं इसको।
यार इस कार पे वैसे मैं बेट लगा सकता हूँ, थोड़ा सा ठीक ठाक कार है ये, $30,000 की बेट यहाँ पे लगाते हैं। दो चांस इसको भी मिलने वाले हैं, देखते हैं क्या ये दोनों दोनों चांस यहाँ पे फायदा उठा पाएगी या फिर ये भी हार जाएगी। ओके तो अपोनेंट यहाँ पे पहले ही कर रहा आ गया बहुत ज्यादा भाई साहब। सामने यहाँ पे बुगाटी चिरोन लग रही है मुझे, बुगाटी चिरोन है यहाँ पे और कोई कार, लेकिन भाई साहब जी क्या है, ये क्या भाई, ये तो अभी जीत रही है, कर रही है यहाँ पे भाई अपोनेंट, लेकिन कर रहा है भाई वो, मुझे लग रहा है आगे आना चाहिए। कोई नहीं 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 लास्ट में नहीं, जीत गए लग रहा है, जीत गए भाई साहब। अपोनेंट की स्पीड 162 किलोमीटर पर आर थी, अपनी वहां पे 145, लेकिन यहाँ पे स्किल की वजह से हम लोग जीत गए। और उसका जो मतलब कि जो स्टार्टिंग होती है ना, जो पिकअप होता है उस गाड़ी का, जो अपोनेंट की गाड़ी थी वो थोड़ा सा कम था, और इसी चक्कर में हम लोग जीत गए, वरना तो भाई उसकी स्पीड बहुत तेज थी, आ ही जाते। खैर चलो यहाँ पे पहली रेस यहाँ पे कार जीत चुकी है, अब दूसरे में अपोनेंट अगर सस्ता आ गया तो इसकी किस्मत बहुत ज्यादा बढ़िया सी होगी, लेकिन भाई इसकी किस्मत सही नहीं है। ये सामने वाली बुगाटी चिरोन है, मुझे लग रहा है बुगाटी चिरोन ही है ना भाई सब, इससे नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इसका पिकअप बिल्कुल भी स्लो नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड पिकअप है भाई उसका, वो कहाँ जीत पाएंगे यार इससे। तो यहाँ पे यार ये कार की भी किस्मत थोड़ी सी खराब है, अपोनेंट बहुत ज्यादा कर रहे फंस गए, और इसके चक्कर में यहाँ पे ये कार भी एक रेस जीत पाई एक रेस हार चुकी है। ये तो हमारी जो नेक्स्ट कार है वो है फ्रॉड F150, और वैसे यार ये बहुत ज्यादा स्लो कार है, तो इसमें $20,000 की बेट लगाने वाला हूँ, मुझे पता है कि इसमें मैं हार जाऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा स्लो कार होती है, जैसा ना कोल्डियक एक्वालेट जैसी कार है ना वैसे ही है सेम टू सेम। और देखो भाई साहब इसकी स्पीड देखो, मतलब कि मरियल सी कार है, और भाई ये ऐसा जैसे बड़े बड़े जैसे वो ऑफ रोडिंग वाले एरिया नहीं होते वहां पर चलाने लायक कार है, ये दमदार कार है, ये स्पीड वाली नहीं है, ये ऐसे कोल्डियक एक्वालेट से तो लग रहा है मुझे सही स्पीड है इसकी, 120 तो पार हो ही जाएगी मुझे लग रहा है इसकी स्पीड, देखते हैं यहाँ पे कितनी पहुंच पाती है मैक्स। वैसे यार 120 नहीं पहुंच पाई, कोल्डियक एक्वालेट तो 120 पहुंच जाती थी। तो एक काम करते हैं एक और रेस करते हैं, इससे पहली रेस तो आ ही चुके हैं। ओके तो यहाँ पे सेकेंड रेस पे आ चुके हैं हम लोग, देखते हैं क्या हम लोग इस बार जीत पाएंगे। वैसे यार इसकी किस्मत थोड़ी सही है, यहाँ पे देख रहे हो अपोनेंट यहाँ पे फंस चुका है कोल्डियक एक्वालेट, वैसे अब इनमें टक्करी हो जाएगी, देखते हैं इन दोनों कारों में तेज कौन है, ठीक है कोल्डियक एक्वालेट तेज है या फिर फ्रॉड F150। वैसे फ्रॉड F150 अभी तक तो आगे काफ़ी ज़्यादा, वैसे अब ना आगे निकल जाए बस कोल्डियक एक्वालेट, शुरू में क्या पिकअप उसका सुबह तक ये समझ में आ गया भाई, अभी आगे बढ़ रही है, देखते हैं कौन जीता। जीत गए हम लोग, और भाई उसकी देखो 120, मैंने कहा था ना कि कोल्डियक एक्वालेट 120 टच हो जाती थी, सेम देखो अपोनेंट के यहाँ पे जो स्पीड है 120 टच हो गई अपनी यहाँ पे कम भी, बस स्किल की वजह से हम लोग जीत गए। तो यहाँ पे यार इस कार का भी जो रिजल्ट है वो यही है कि एक कार एक रेस जीती है और एक रेस हार चुकी है यहाँ पे। ओके तो यार देखो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग ने काफी सारी जो कारें ना उनके बीच में ड्रैग रेसिंग करा दी, और अभी तक एक ही कार है जो दोनों दोनों कारें जो रेस है ना वो जीत पाई है, वो है लैम्बोर्गिनी। बाकी यहाँ पे 3-4 कारें और बाकी है, और एक कार जो हम लोगों को अभी खरीदनी। ओ भाई ये याद आ गया, मैं काम करता हूँ कि अभी यार देखो अभी कौन सा दिन है, आज फ्राइडे है, और फ्राइडे हम लोग उसी दिन पे है क्या या फिर दूसरा फ्राइडे आ गया, भाई नेक्स्ट वीक आ गया मुझे लग रहा है। एक काम कर दो मैं चेकआउट करके आता हूँ कि कार मार्केट में, देखो अगर सेम कारें होंगी ना फिर हम लोग समझ जाएंगे कि अभी वही डे है, या फिर अगर अलग अलग कारें होंगी ना फिर हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो डे है ना वो चेंज हो चुका है। खैर यहाँ पे जल्दी से आते हैं, वैसे कारें तो यार अलग अलग लग रही है, और यहाँ पे ऑडी RS7 क्या आई होगी रेड कलर की, वैसे एक ही रेड कलर की कार, और ओए ये तो ऑडी RS7 ही भाई, मैं तो ये देख के पहचान गया। रुको यहाँ पे आंटी जी पूछते हैं, और भाई हाँ ऑडी RS7 आ चुके हैं, फाइनली आ चुकी है। एक काम करते हैं, $1,66,710 की यहाँ पे दे रही है, मैं इनको $165,000 ऑफर करता हूँ, और डन भाई साहब। चलो फाइनली यार एक तो यहाँ पे यार सर दर्द कम हुआ, मुझे लग रहा था कि भाई इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी हम लोगों को ऑडी RS7 के चक्कर में, लेकिन नहीं यार फाइनली मिल गई, रेड कलर की चाहिए थी और रेड कलर का मॉडल यहाँ पे ऑडी RS7 का मिल चुका है। अपना किस्मत अच्छी थी कि यार हम लोग आ गए यहाँ पे, वरना तो मेरा कोई ऐसा प्लान ही नहीं था, वो तो मैं जस्ट चेकआउट करने लगा कि बस यहाँ पे कितनी कारें बाकी हैं, और भाई सब किस्मत देखो अपनी। खैर मैं काम करता हूँ जल्दी से, यहाँ पे भी इस कार को यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, वैसे इसके इंजन में ऑफ करते हूँ ताकि जो पेट्रोल है वो ज़्यादा यहाँ पे खत्म हो, और इसको जल्दी से हम लोग पार करते हैं और अपना जो ड्रैग रेसिंग का चैलेंज है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यार इस बार थोड़ी सी महंगी कार आ चुकी है, मतलब कि यार इसका प्राइस बताए $3,00,000-$4,00,000 तक है, मर्सिडीज 580S। अब वैसे यार इसमें क्या खासियत है मुझे तो नहीं समझ में आता है, इस कार की खासियत क्या है कि ये इतनी ज्यादा महंगी है, अब मर्सिडीज का नाम है इसलिए महंगी, या फिर इसके कुछ काम भी हैं तो काम अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। वैसे यहाँ इतने तो मुझे उम्मीद है कि शायद $30,000 की बेट ये डिजर्व करती है, अब देखते हैं
कि क्या ये $30,000 हम लोग बैक टू बैक हराएगी या फिर एक रेस भी जीत पाएगी ये। ओके तो यहाँ पे अपोनेंट पहला ही आ चुका है काफी ज्यादा तगड़ा सा। वैसे इस कार का नाम है अपोनेंट वाले का डेड चिलिंगर, आप लोगों को पता ही होगा। खैर यहाँ पे अभी मर्सिडीज 580S वर्सेस डेड चिलिंगर, यहाँ पे देखते हैं कौन जीतने वाली है। वैसे भाई साहब ये इसको टक्कर ही नहीं दे पा रही है मर्सिडीज 580S डेड चिलिंगर को, लेकिन फाइनली यहाँ पे जीत चुके हैं। चलो पहली रेस तो यहाँ पे जीत चुके हैं, एटलीस्ट मुझे लगा था कि ये तो भाई साहब एक भी रेस में नहीं टिक पाएगी, लेकिन चलो पहली रेस जीत चुके हैं। सेकंड अपोनेंट देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। वैसे सेकंड अपोनेंट भी है सस्ता था, मुझे लग रहा है कि भाई ये दोनों कारें निपटा देगी, मतलब ये दोनों चैलेंज निपटा देगी। इसकी किस्मत थोड़ी सही है कि अपोनेंट भी इतना कर रहे नहीं है। ओके तो यहाँ पे अभी तो हम लोग आगे हो चुके हैं हल्का सा, लेकिन भाई यहाँ पे जो अपोनेंट है ना, जो हम लोगों को सस्ता सा लग रहा था वो कर्रा निकल गया भाई साहब। ये डेड चिलिंगर से ज्यादा तगड़ी कार थी और इसने हरा दिया भाई साहब। एक एक का इसमें भी पॉइंट मिलता है और ये भी कार हो ही जाती है, समझ लो कि बारी है ये भी अब यहाँ पे चैलेंज से। अब थोड़ी सी तगड़ी कारें आई हैं, मतलब कि हाँ फाइनली हमारे जो मैक्लेरन P1 $2 million $2.4 million की मिली थी वैसे ये कार, वो आ चुकी है। और भाई साहब अभी यहाँ पे देखते हैं क्या ये दोनों रेसेस जीत पाएंगे। वैसे इसके बाद लैम्बोर्गिनी भी लगी है लाइन पे। ओके तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा भाई साहब। अब थोड़ी तगड़ी कारें आई हैं। ऑल राइट तो $50,000 की बेट लगाने वालों, इस पे मुझे विश्वास है कि ये मुझे जिता देगी दोनों रेस से, और ये हो सकती है सेकंड कैंडिडेट हमारी नेक्स्ट राउंड के लिए। देखते हैं क्या होता है अपोनेंट। वैसे पहला वाला यहाँ पे थोड़ा सा ढीला लग रहा है, देखते हैं जीत पाएंगे या फिर नहीं। ओके स्टार्ट करते हैं। वैसे पिकअप किसका खुलो, लो लो भैया लो, पिकअप तो इसकी हार रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी स्किल और लगानी पड़ेगी और हम लोग जीत सकते हैं। ओके जीत गया लग रहा है, जीत गया कि हाँ जीत गया भाई साहब। इसका पिकअप यार बड़ा कम है यार मैक्लेरन P1 का। अच्छा उतने टाइम जो वो कार हारी थी ना वो मैक्लेरन P1 होगी, उतने टाइम जो मैं बुगाटी चिरॉन कह रहा था वो बुगाटी चिरॉन नहीं होगी। हाँ अभी मुझे समझ में आया, एक तो यार उनको सेम ही लगती है ऑलमोस्ट यार दोनों कारें, लेकिन चलो हाँ पहली रेस जीत चुके हैं। और भाई ये भी बाहर होगी क्योंकि जब उससे भाई साहब इतनी टक्करी हो गई, ये तो सामने लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर है भाई, ये तो बहुत ही कुत्ता बनाती है ये कार। लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर नहीं है, मैक्लेरन P1 ही है। रुक जा, इसमें भाई हम लोग जीत सकते हैं भाई साहब, लेकिन नहीं यार किस्मत ही खराब है इस कार की। यहाँ पे एक रेस जीती एक रेस हारी और ये भी बाहर होती है नेक्स्ट राउंड में पहुँचने से पहले ही। ओके तो इस बार यहाँ पे बारी है हमारी ब्लू कलर की लैम्बोर्गिनी की। वैसे ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी दोनों रेस जीत गई थी और वही इकलौती कार जो दोनों रेस जीत पाई थी। खैर यहाँ पे $50,000 की बेट लगाने वाले हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या ये दोनों रेस जीत पाएगी और बन पाएगी सेकेंड कैंडिडेट हमारी इस राउंड टू के लिए। और यहाँ पे राउंड टू में पहुँचने से पहले लग रहा है मुझे सारी कारें दम तोड़ देंगी, लेकिन यहाँ पे लैम्बोर्गिनी भाई सब यही दोनों ना पहुँच जाए, सिर्फ ऐसा भी हो सकता है यार कि सिर्फ यही दोनों पहुँच जाए, कुछ भी हो सकता है। खैर चलो पहली रेस तो बहुत ज़्यादा ईजिली जीत चुके हैं, नेक्स्ट रेस पे चलते हैं। और भाई इसकी अगर किस्मत सही हुई ना तो लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर से इसका पंगा नहीं होगा। लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर से पंगा हो जाता ना तो भाई साहब ये खत्म हो जाती है और यहाँ पे ये रेस जीत चुके हैं भाई, ये पहुँच गए राउंड पे, क्योंकि सामने आ गया है ब्रॉड बोंग्रो और इसको तो मैं यूँ हरा दूंगा भाई, यूँ चुटकियों में हरा देंगे यार। इसको कहते हैं किस्मत और ताकत तो वही लैम्बोर्गिनी के अंदर। भाई साहब ये राउंड में पहुँच चुके हैं और ये बनती है हमारी सेकेंड कार, मतलब कि ग्रीन कलर की और जो ब्लू कलर की दोनों लैम्बोर्गिनी है वो पहुंच चुकी है हमारी राउंड टू के लिए। भाई साहब तालियां होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो यार अभी आ रही है हमारी रेड कलर की ऑडी RS7 की, भाई साहब तालियां होनी चाहिए इस कार के लिए, भाई साहब बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस कार के लिए। खैर अभी यहाँ पे इसमें मैं बेट लगा दूंगा $30,000 की, मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट ये एक रेस तो जीती जाएगी और मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दे करके जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर अगर दोनों रेस जीत गई ना तो भाई ये बन जाएगी एक खतरनाक कार, लेकिन इसकी टक्करी भी भाई टक्करी वाली कार से है। मैक्लेरन P1 है सामने अपोनेंट में, वैसे मुझे लग रहा है कि मैक्लेरन P1 को ये हरा देनी चाहिए क्योंकि उसका पिकअप थोड़ा सा स्लो है, बाद में भले वो आगे आ जाती है लेकिन तब तक मुझे लग रहा है कि जीत लेंगे। लेकिन नहीं भाई इसकी ज़्यादा तेज हो गई भाई साहब, उसने लास्ट में क्या ही कुत्ता बनाया है मैक्लेरन P1 ने भाई साहब। उसका पिकअप भी कुछ स्लो है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। खैर यहाँ पे एग्जिट क्यों कर दिया मैंने, वापस से नेक्स्ट रेस करनी थी, गलती हो गई यार इसमें, मुझे लग रहा है नुकसान हो गया होगा। चलो एक और रेस करेंगे $30,000 की अगेन, और ये भी रेस वैसे ये भी बाहर हो चुकी है भाई राउंड टू से ये कार,
वैसे रेस करे चाहे ना करे कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन हाँ भाई मैं रेस करने वाला हूँ क्योंकि यार ये अपना रूल है और रूल को तो हम लोग फॉलो करेंगे करेंगे। ओके तो $30,000 की बेट अगेन मैंने यहाँ पे लगा ली है, देखते हैं यहाँ पे जीत पाएंगे हम लोग या फिर नहीं। ओके तो अपोनेंट यहाँ पे कौन सा है? अपोनेंट वैसे यार इस कार का मुझे नाम नहीं पता है, पता नहीं कौन सी कार है, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फास्ट कार है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है देखने में। खैर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ओके तो अभी तक तो हम लोग आ गए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप जीत पाएगी अपोनेंट, हम लोग ऐसे इजीली हम लोग यहाँ पे जीतने वाले हैं। ऑल राइट तो यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं फाइनली ये रेस और $30,000 का अपना जो नुकसान हुआ था वो कवर हो चुका है। ओके तो यार हमारी जो नेक्स्ट कार है वो है और सफेद कलर की ऑडी R7, मतलब व्हाइट ऑडी R7। भाई ऑडी R7 कितनी हो गई यार, तीन तीन ऑडी R7 हो गई भाई साहब, और उनमें से एक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली ऑडी R7 क्वालिफाई कर जाए राउंड 2 के लिए। ऐसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी किस्मत है ऑडी R7 की। ऑल राइट तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट ड्रैग रेस है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और वैसे पहली में तो किस्मत बहुत ज्यादा तगड़ी है यहाँ पे, और अपोनेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा ही सस्ता आ गया भाई साहब। ये तो रेस जीत लेंगे हम लोग इजिली। ओके तो हम लोग काफी काफी ज्यादा तगड़े से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे बस सेकेंड टाइम पे अपोनेंट सही आ जाए तो भाई ये भी क्वालिफाई कर जाएगी। ओके तो अभी तक यार कौन कौन सी कार क्वालिफाई कर पाई है? दोनों दोनों जो लैम्बोर्गिनी है वो क्वालिफाई कर पाई है, और बस और कोई कार क्वालिफाई नहीं कर पाई है राउंड 2 के लिए। ओके तो वैसे यार ये कार क्वालिफाई करेगी, ऑडी R7 फाइनली इन है राउंड 2 के लिए, क्योंकि अपोनेंट यहाँ पे फ्रॉड बॉन्कर है भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया इसके लिए भाई। ये व्हाइट कलर की ऑडी R7 की किस्मत क्या ही प्यारी किस्मत है भाई साहब इसकी, मतलब इसको कहते हैं रियल किस्मत भाई साहब, इजिली क्वालिफाई कर गई है हाँ राउंड 2 के लिए। ओके तो यार वो टाइम आ चुका है जिसका मुझे सही था, मैं पर्सनली इस समय का इंतजार कर रहा था कि कब यार मुझे लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर से ड्रैग रेसिंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यार ये मेरी फेवरेट कार है, मुझे लग रहा है कि ये भाई विनर होनी चाहिए इस रेस की। लेकिन यहाँ पे किस्मत भी मैटर करती है, जैसे कि ऑडी R7 की किस्मत देखो भाई, वो इन हो गई यार पर राउंड 2 के लिए, और उसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन वो इन हो चुकी है। खैर है हम $50,000 की बेट लगाने वाले हैं डायरेक्ट ही, और चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे अपोनेंट कैसा होगा भाई लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। मैं नहीं चाहता कि ये बार हो, ये राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करनी ही करनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट जो कार है ना इससे तो जीत लेगी, और बस सेकेंड जो सेकेंड यहाँ पे रेस हो उससे और जीत ले। ओके तो यहाँ पे आप लोग स्पीड नोटिस करना इसकी मैच स्पीड कितनी होती है। ओके आप लोग चेकआउट करना है यहाँ पे लैम्बोर्गिनी से कंपेयर करना है इसकी, भाई देख रो 170 टच हो चुकी है। वैसे यार 170 लग रहा है मुझे लैम्बोर्गिनी की भी टच हो गई थी ना भाई, अगर टक्करी हो इन दोनों में ना मुझे लग रहा है भाई साहब काफी ज्यादा खतरनाक टक्करी हो चुकी है। खैर हाँ यहाँ पे अब अपोनेंट पर डिपेंड करता है कि ये कार राउंड 2 में पहुंचेगी या फिर नहीं, और मुझे लग रहा है ये पहुंच गई भाई, ये भी राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है हमारी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। ओके तो यहाँ पे बस अब ये रेस हम लोग किसी प्रकार भी जीत लें, और भाई टोटल 4 कारें हो जाएंगी जो कि राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करी होंगी। ओके डन यार यहाँ पे हम लोग जो है जीत चुके हैं एक और रेस, और यहाँ पे हमारी जो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है ये भी क्वालिफाई कर चुकी है। तो भाई अब तो ड्रम रोल हो जाने चाहिए क्योंकि टोटल 4 कारें राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। देखो अभी एक काम करते हैं कि अभी हमारा जो राउंड 1 है ना वो कंप्लीट हो चुका है, राउंड 2 अभी होगा नेक्स्ट टाइम जो हम लोग इस गेम को प्ले करेंगे, और तब हम लोगों को मिलेगा हमारा जो फाइनल विनर है ड्रैग रेसिंग का बेताज बादशाह, वो हम लोगों को मिलने वाला है नेक्स्ट टाइम। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग काफी काफी ज्यादा मजा होगा, और अगर आप लोग ऐसा लगता है ना कि कोई और भी कार जो है ना वो राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करनी चाहिए थी तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। वैसे आपकी पर्सनल फेवरेट कार ड्रैग रेसिंग के लिए कौन सी है वो भी कमेंट करके जरूर से बताना, और ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब मारो यार ऐसी कमाल गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए। कह रहे चलो भाई लोग मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।